जीत नारी ने कराम आज उजमा बुखारी और फिर दो सापा के दरमियान शरीर लड़ाई हो गई। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसमें डिटेल में बात करते हैं। आप यकीन कीजिए, अगर ब्रेक में भी कोई चुप किया हो, किसी ने चुप नहीं किया, मैं गुजारिश आपसे भी और आपसे भी कर चले। ये तो तलाल चौधरी साहब एक थे, ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर गलत किया, मुझे नहीं पता कि मियां नवाज शरीफ साहब ने या किसी ने कहा हो कि यार मुझे बात पसंद करने की बात यह है कि ख्वाजा साहब की माशाल्लाह वो बहुत सीरियस आदमी है, उनको किसी ने आज तक रेप्रिमांड किया कि भाई ये लफ्ज आपने क्यों इस्तेमाल किया एक मौजूद रुकन के बारे में? वो देखिए, खुद के बाद भी वो हाउस के अंदर जब भी खड़े हुए उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे बार बार ये जो ये कर रही है ना वो कर रही थी उस वक्त कि जब वो बात कर रहे थे बीच में जो है वो आप देखिए आप ट्रिगर करेंगे ना किसी साथ को तो कोई आगे आपके वो मट्टी की मूर्त नहीं बैठी हुई कि आप जो मर्जी कहते रहे मैं नहीं जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। जब आप अब जरा चले हमने जबान के ऊपर तो बात कर ली, बदकिस्मती से कोई सिरा नहीं निकला, लेकिन चले अब इलेक्शन आप निकालना चाहे तो निकल सकते हैं। सिरा निकला है, खत्म करें किसी जगह बात को, आगे सवाल को किसी के बारे में जी, किसी के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए, ये सियासत में नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब हम इलेक्शन के बारे में चले इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, अजमा बुखारी साहब इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सिर्फ अपनी अपने लिए ग्राउंड मिली हुई थी खुद से खेलने के लिए, इनके ना को हाथ रोकने वाला था ना जबान रोकने का था, ना इससे पहले 35 साल ये किस अंपायर से मिलकर खेलते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और किस अंपायर के लिए दिया? अच्छा किसके लिए? कौन था? अच्छा बताए ना कौन था उस वक्त? 35 साल ये मैच फिक्स करके नाम ले किसने का? ये कह रहा है कि ये उस वक्त से आ रही है, ये तीन दफा वजीराबाद जेली मैंडेट से बने, यही हमारा केस है, वो मैंडेट चोरी का मैंडेट था जो तीन दफा ये प्राइम मिनिस्टर बने, वो तो मियां जावेद ने 3 साल ना कह के बरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व होती है, वो मियां जावेद ने 3 साल ना कह के बरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व होती है। 3 साल का मैंडेट चोरी का मैंडेट था, अब ये बता चले चले फिर ये क्यों माने सादो कर अमीन आए होते तो फिर आप माने ये भी माने मेरी आप सुन ले ये बात माने कि 3 साल हम मैंडेट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने, ये मान ले ना, अगर ये कर रहा हूँ जी, मुझे इलेक्शन के बारे में 2013 में क्या हुआ मेरी मैं आपको नहीं मैं देखिए डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू नहीं गुफ्तगू देखिए इस तरह तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे इलेक्शन के बारे में खड़ा लगाना ना, मैंने कोई खड़ा लगाना जी, मैंने आपसे ये इलेक्शन के बारे में बात कर बात बड़ी क्लियर है, या पिछला जितनी दफा वजीरे आजम नवाज शरीफ 3 दफा बने उसी प्रोसेस से बने, 2/3 अक्सरियत वो लेते रहे, मुझे ये बताएं कि उस वक्त किसका मैंडेट चोरी हो के आता रहा, उस वक्त वो सब ठीक था, अब जो है आज, एक फेर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आधा प्रोग्राम से ज्यादा आप गुजार चुके हैं, प्लीज प्लीज अगर आप चुप कर जाएंगे तो हम कोई बात कर सकते हैं, आप अपनी बारी पे कीजिएगा जी, आप अपनी बारी पे पता है महंगाई आप अपनी बारी पे कीजिएगा, आज
आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अजमा बुखारी साहबा को मैंने रिक्वेस्ट कर, डॉक्टर साहब आप दो मिनट हो चुकी है, आप मेरी इनके मुंशी साहब वो इल्जाम आप पर लगाते हैं कि आपकी हुकूमत ने दिया कुछ नहीं है, वफाक दे कुछ नहीं रहा, खैबर गिलगित बल्तिस्तान को आप सिर्फ आज अगर वज़रा वहां पर मौजूद है, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब नहीं ऊंची आवाज मुझे मरूब नहीं कर रही, प्लीज मैं लेकिन आपका अच्छा प्लीज डॉक्टर साहब मैं किसी का माइक मैं नहीं चाहता ये स्टेज है कि मैं कहूँ जी किसी का माइक लड़खड़ाता पाकिस्तान चले थोड़ी सेम बात कर लेना और साथ वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे जब सब कुछ ठीक करके गए हैं, जब ये बेगुनाह है अच्छा और अदालतें पुकार रही हैं मियां मफरूर को वापस लाएं, क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? अच्छा मुझे मुझे मैं अब आप ये पूरी ब्रेक लड़के गुजार दी, आपने पूरी ब्रेक लड़के गुजार दी, अच्छा ये पूरी ब्रेक लड़के गुजार दी आपने, इसमें पूरा पूरा सेगमेंट के अंदर प्रोडक्टिव बात मुझे बताएं लोग सुन सके, आप जमानत दें जिसमें मरियम बीबी है तो वो अदालतें ठीक है, हमने तो इनको सजा दे वो कहती है कि वो करवाई गई अदालत के कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट आपको ये लेके ना चली गई, क्राइटेरिया क्या है, पूछो क्राइटेरिया क्या है, मेरी मेरी बात सुने आप डिबेट करें ना लड़े तो ना ना इंसाफ का क्राइटेरिया क्या है डॉक्टर साहब, मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग प्लीज अब चले अब आप इलेक्शन पे बात नहीं करना चाहते, इंसाफ मिला अच्छा मुझे बताएं आपने अभी कहा ये उधरा हुआ पाकिस्तान देख, तो व्यूअर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो उज़्मा बुखारी हैं और फिरदौस आशी कवान दोनों ही एक से बढ़ के एक हैं, मतलब ये लोग वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एंकर्स हैं ना या ये जो चैनल्स हैं ये जानबूझ के ऐसे लोगों को बुलाते हैं ताकि इनकी रेटिंग बढ़ सके, अब ये नहीं कि कोई इन्होंने जो आपस में लड़ाई किया वो कोई ड्रामा था, ड्रामा नहीं था, जेन्युइनली इनकी लड़ाई हो गई, क्योंकि ये सारे भूखे बटेरे हैं और ये लोग जो है ना इक्तदार के पीछे पागल हैं, क्योंकि इसमें इनको पावर भी मिलती है और बेतहाशा पैसा भी मिलता है, गैर करप्शन करते हैं सारा कुछ करते हैं तो पैसा भी इनको फिर बेतहाशा मिलता है, तो इस वजह से ये लोग फिर अपने अपने लीडर्स को डिफेंड करने के लिए आपस में इस तरह की हरकतें करते हैं, दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं और दोनों ही कोशिश भी नहीं करते, ये खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।